Hello everyone, this is Adil here and you are watching me on Safety Modern Study. Guys, आज हम डिस्कस करेंगे कम्पिटेंट पर्सन के बारे में. कम्पिटेंट पर्सन होता क्या है, ये हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट की फील्ड में एज ए बींग एच एस सी ई एच एस ऑफिसर ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कम्पिटेंट होता क्या है. तो कम्पिटेंट का मतलब जो होता है, कम्पिटेंट जो पर्सन होते हैं उसकी जो क्वेश्चंस भी इस तरीके से होता है गाइस कि हु इज़ कम्पिटेंट पर्सन. तो कम्पिटेंट पर्सन का मतलब होता है जो एक्सपीरियंस होता है. सबसे पहले आप जानिए इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है. कम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, जिसके अंदर वो काबिलियत हो, वो योग्यता हो, इतना नॉलेज हो, इतना एक्सपीरियंस हो, ट्रेनिंग हो काम को अच्छे से कंप्लीट करने की, उसे हम कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं. कुछ और भी तरीके से अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो अ पर्सन हु हैज़ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अबाउट ए स्पेसिफिक जॉब हैज़ द नेसेसरी स्किल्स टू परफॉर्म द स्टेटेड ड्यूटीज इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट पर्सन. कॉम्पिटेंट पर्सन का गाइस मतलब ये होता है कि ऐसा पर्सन जिसको ये नॉलेज हो और एक्सपीरियंस हो, काम करने में वो सक्षम हो, उसके अंदर वो क्षमता हो, एबिलिटी हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, उसको अंदर वो ट्रेनिंग देने की और समझाने की काबिलियत हो, उसे हम कम्पिटेंट पर्सन कहते हैं. और गाइस कम्पिटेंट पर्सन के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कम्पिटेंट पर्सन हैज़ क्या, एक ऐसा क्वेश्चन करके है कि कम्पिटेंट पर्सन हैज़ मतलब कम्पिटेंट पर्सन के पास होना क्या चाहिए. तो कुछ चीज़ें हैं उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि इतनी चीज़ें एक कम्पिटेंट पर्सन के पास होनी चाहिए गाइस. इसमें है कि अ कम्पिटेंट पर्सन के पास क्या होनी चाहिए. एक कम्पिटेंट पर्सन है तो उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग स्किल्स होनी चाहिए. उसके बाद में है सफिशियंट एक्सपीरियंस होना चाहिए. उसको प्रॉपर ट्रेनिंग का स्किल्स उसके अंदर होगा तो वो बहुत ही बेहतर काम को, वर्क को अच्छे से कम्प्लीट करेगा. सफिशियंट एक्सपीरियंस होगा, इतना पर्याप्त मात्रा में इतना एक्सपीरियंस हो, इतना जितना वर्क के लिए, वर्क प्लेस पे, वहाँ पे काम करने के लिए वो सक्षम हो, लायक हो, उसके अंदर इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. उसके बाद है नॉलेज ऑफ एप्लीकेबल स्टैंडर्ड. अब जितना उसको जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वर्क प्लेस पे, वर्क साइट पे जितना उसको नॉलेज होना चाहिए, ही शुड हैव, उसको होना चाहिए इतना ताकि वो अच्छे से कर सके वर्क. और कैपेबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग वर्क प्लेस हैजार्ड्स, वो साइट पे जाए तो उसको इतनी क्षमता हो, इतना सक्षम हो, एबिलिटी हो कि वर्क प्लेस के हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर सके कि किस तरीके से जो एक्टिविटीज़ चल रही उसमें कौन कौन से हैजार्ड्स मौजूद हैं, जनरेट हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सके. और एक कम्पिटेंट पर्सन उसको एलिमिनेट करने की क्षमता रखता है तो उसे हम कम्पिटेंट पर्सन कहते हैं. जब वो रिक्स को समझेगा, हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने की क्षमता रखेगा तो वो उसको एलिमिनेट करने की भी क्षमता रखता है, उसको रिमूव करने की भी क्षमता रखता है तो उसे हम कम्पिटेंट पर्सन कहते हैं. ये होती है क्वालिटीज़ ऑफ कम्पिटेंट पर्सन गाइज. तो कम्पिटेंट पर्सन के बारे में गाइज आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी. और कम्पिटेंट पर्सन एक गाइज KAT लाइक अ कैट कह सकते हैं. इसका एक फुल फॉर्म तरीके से बनाया गया है कि होता क्या है इस कैट का मतलब. तो एक्चुअली ये होता है गाइज, के फॉर होता है नॉलेज, ए फॉर होता है एबिलिटी, और टी फॉर होता है ट्रेनिंग, ई फॉर होता है एक्सपीरियंस. इससे जो है कम्पिटेंस बना है. मतलब किसी पर्सन की कम्पिटेंस आप कम्पिटेंसी देखेंगे, उसके कितने उसकी क्षमता को, कितना सच्चा में उसकी कम्पिटेंस कितनी है, तो ये केट कैट करके CATE इससे इसको बनाया गया. के फॉर नॉलेज, ए फॉर एबिलिटी, टी फॉर ट्रेनिंग, ई फॉर एक्सपीरियंस. गाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.